उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 आज करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें लिखा है कि सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की एक अनुप्रयोग है। The application of information and communication technology is for delivering government service. Discuss. तो ये जो प्रश्न दिया है, अब देखिए मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि सिनॉप्सिस बनाना है। इस प्रश्न में हम लोग को क्या लिखना है, तो सबसे पहले 125 शब्द में लिखना है, 8 नंबर का प्रश्न है। आपको सबसे पहले 4 लाइन क्या बताना चाहिए, ई गवर्नेंस क्या होता है। भाई यहाँ पर जो प्रश्न है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर पहले ई गवर्नेंस के बारे में 4 लाइन आपको समझाना है, और ई गवर्नेंस समझा कर फिर इसके बाद सीधा प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग के बारे में लिख देना है। अब चलिए मैं बताता हूँ जरा सा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, ये समझना है जो ई गवर्नेंस है, इस ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ। पहले तो सिनॉप्सिस बनाना है, तो सिनॉप्सिस में क्या हुआ, पहले ई गवर्नेंस के बारे में समझाना है, पहले 4 लाइन इसके बारे में लिखना है, फिर इसके बाद सीधा इसका अनुप्रयोग लिख देना है। इसका क्या अनुप्रयोग है, तो देखिए अनुप्रयोग में जो है 4 चीजें आपको समझाना है। अब इसका जो अनुप्रयोग है उसमें जो है, जिसमें बताया गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर इसके बाद जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किस तरह से होता है, फिर गवर्नमेंट टू इम्प्लाई कैसे होता है, गवर्नमेंट टू इम्प्लाई में किस तरह से होता है, फिर गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन क्या चीज है, ये 4 चीज आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर इसके बाद एक इसका जो है समस्या सहित आपको मूल्यांकन लिखना है, समस्या सहित मूल्यांकन लिखना है, इतना ही काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग को सिनॉप्सिस में क्या हुआ, यहाँ पर ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है ये बताइए। अब पहले ई गवर्नेंस के बारे में आपको बताएं, ये जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझिए भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक जो पहलू है उसका जो है गवर्नेंस में प्रयोग करना, उसका जो है गवर्नेंस में प्रयोग करना। भाई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, वही सूचना संचार और तकनीक। तो सूचना संचार तकनीक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं, सूचना तथा संचार तकनीक, इसके साथ मिला दिए क्या चीज, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब, गवर्नेंस का मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पर नागरिकों को कानूनी जो अधिकार है उसकी सुरक्षा होती है, जो सार्वजनिक सेवा है वो सुविधाजनक तरीके से मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो गवर्नेंस है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सुशासन की ऐसी प्रक्रिया जिससे जो है जो सार्वजनिक सेवा है, जो जनता को जो कल्याणकारी कार्य हम लोग करते हैं वो सुविधाजनक तरीके से हो सके, एक प्रक्रिया हो गया। ऐसी प्रक्रिया जिससे सुविधाजनक तरीके से जनता को सेवा दिया जाता है, ये तो मान लीजिए हो गया। इसका मतलब कि सरकारी जो कार्य प्रणाली है, भाई गवर्नेंस किससे संबंधित है, सरकारी कार्य प्रणाली से संबंधित है, सरकारी कार्य प्रणाली। तो सरकारी कार्य प्रणाली में इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। इसका मतलब कि सरकारी कार्य प्रणाली में जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाना, सरकारी कार्य प्रणाली में सूचना तकनीक का अनुप्रयोग किया जाना। अब अनुप्रयोग जो किया जाएगा, इसको दोनों जो मिलाया जाएगा उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो जो है आंतरिक, भाई इसका स्वरूप क्या बनेगा, ऐसे समझिए इसका स्वरूप क्या बनेगा, इसका जो स्वरूप बनेगा एक तो आंतरिक स्वरूप बनेगा,
आंतरिक परिवर्तन क्या होगा और एक बाह्य परिवर्तन क्या होगा। अब जैसा समझिए, आंतरिक परिवर्तन का मतलब यह है कि जो लेन देन है उसकी लागत कम हो जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगा, नौकरशाही की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक ही लेटर है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग एक बार में जो है हजारों लोगों को भेज सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, किसी को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि आंतरिक जो पहलू है, जो आंतरिक स्वरूप है, उसमें भी परिवर्तन आ गया। और बाह्य स्वरूप में क्या परिवर्तन आया? भाई बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आया कि सेवाओं की जो तीव्रता है वो बढ़ गई है, सेवा जो है अधिक प्रभावशाली हो गई है और नागरिक सहभागिता का भी परिपेक्ष हो गया। भाई किसी को व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेज दिए, मान लीजिए ब्लू टिक आ गया तो इसका मतलब वो देख लिया है, मान लीजिए कह रहा है कि नहीं नहीं देखे हैं, व्यक्ति कहता है ना इतना मूर्ख मत समझिए, ये बताइए ये बाह्य परिवर्तन भी तो आ गया कि सेवाओं में तीव्रता आ गई, अधिक प्रभाव उत्पादक सेवा हो गया, नागरिक सहभागिता का परिपेक्ष बढ़ गया। अब देखिए इसमें हम लोग को एक चीज ये ध्यान रखना है, ये जो ई गवर्नेंस हमारे यहाँ प्रयोग होता है, ई गवर्नेंस का प्रयोग जो है भाई ऐसे समझिए कि पहले तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे पास रहे, उपस्थिति उसकी हो, वेबसाइट बन जाए, सब चीज का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, ये सब चीज हो जाए। दूसरा चीज होता है इंटरेक्शन, आपसी अंतःक्रिया। इंटरेक्शन का मतलब कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो सूचना है उसको हम लोग जो इंटरेक्ट कर सके। और तीसरा होता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सेवा उपलब्ध कराना। और चौथा चीज होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे BPO है, चाहे मान लीजिए इस तरह से कॉल सेंटर है, तो हम लोग जो है उसके माध्यम से उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहले तो प्रेजेंस होना चाहिए, दूसरा इंटरेक्शन होना चाहिए, तीसरा ट्रांजेक्शन होना चाहिए और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ये जो मैं जितना बताया हूँ उसमें से 3-4 लाइन पहले लिख देंगे कि सरकारी कार्यप्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो प्रश्न पूछा गया है उसका पहले सामान्य सा अर्थ लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पहलुओं का शासन जो प्रशासन है उसमें प्रयोग किया जाना, क्योंकि भारत कल्याणकारी राज्य है, यहाँ पर बहुआयामी कार्य चलता है, विकास प्रशासन चलता है, उसको पूरा करने के लिए जो है जो ICT है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करके हम लोग प्रशासन को स्मार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। इससे जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। अब इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते क्योंकि 125 ही सब लिखना है, प्रश्न के उत्तर में अभी एप्लीकेशन लिखना है, उसका अनुप्रयोग भी लिखना है। तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे। अब ये काम करने के बाद अब दूसरा चीज क्या हुआ, अब दूसरा चीज हम लोग को समझना है इसका अनुप्रयोग। अभी मैं बताया कि इसका जो अनुप्रयोग है बल्कि ऐसे चार्ट बना देना चाहिए। अभी मैं अनुप्रयोग में यहां पर सिनॉप्सिस बनाया था ना कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर मैं बताया था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू इम्प्लाई, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, ये चार चीजें लिखना है। तो दो दो चार चार लाइन यहाँ पर समझा देना इसको, या मन करे तो पैराग्राफ में लिखिए, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो अनुप्रयोग है ये बताइए, इस अनुप्रयोग में जो है पहला चीज क्या है, पहला चीज है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब हुआ कि जो सरकार है और नागरिक है, जो सरकार है और दूसरी तरफ जो है जो नागरिक है, तो सरकार और नागरिक के मध्य जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और नागरिक के मध्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले आरक्षण लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, आजकल देखिए मोबाइल से ही हम लोग आरक्षण कर लेते हैं। मान लीजिए टैक्स देना था, बिजली का बिल जमा करना था, पानी का बिल जमा करना था, तो हम लोग को लाइन में लगना पड़ता था, तो सरकार और नागरिक के बीच दूरी कम हो गया। भाई एजुकेशन भी लीजिए, पहले हम लोग को कोई चीज पढ़ाना पड़ता था, सब लोग आते थे, आज हम लोग वीडियो भी बना देते हैं, कोई बात नहीं वीडियो बना के भेज दूंगा यूट्यूब पर। तो मान लीजिए आप देख रहे हैं कि नौकरी के लिए वेबसाइट है, अब किसी को हार्ड कॉपी भर के भेजने की जरूरत है, वेबसाइट के माध्यम से ही नौकरी के लिए आप अप्लाई कर दिए। इस तरह से व्यवहारिक बात लिखना है। अब दूसरा बात समझिए, गवर्नमेंट टू जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब यहां पर यह हुआ कि सरकार के जितने विभाग है, मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इस तरह से देखा जाए तो ये जो सरकार है इसमें जिसमें बताया केंद्र सरकार है, जिसमें बताया कि राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इस तरह से जो सरकार है इन सरकार के बीच जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा ये बताइए। हमें कहते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में जुड़ सकते हैं, तो मैं बताया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार, राज्य सरकार स्थानीय सरकार सब आपस में जुड़ सकते हैं। भाई देश की जो राजधानी है, मान लीजिए दिल्ली से सभी राज्य की राजधानी को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए हमें कहते हैं जो राज्य की राजधानी है वहां पर सभी जिलों को जोड़ दिया जाए और वहीं से मुख्य सचिव जो है सबके क्रियाकलापों को पूछ सकता है। जैसे हम लोग के यहाँ जो है ई अदालत की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आजकल FIR दर्ज कराया जाता है, पुलिस नेटवर्क होता है, तो तमाम जो चीजें हैं पुलिस विभाग अपने उप विभाग से जुड़ जाता है। या मान लीजिए सब करिए कि हम लोग जो है वह वीडियो पर जो है देखा जाए तो मीटिंग कर लेते हैं, या मान लीजिए मीटिंग कोई तुरंत जो है बुलाना है सब लोग वीडियो से जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप कॉल पर सब लोग जुड़ जाते हैं। इस तरह के जो पहलू हैं उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहा जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है मैं बताया कि गवर्नमेंट टू इम्प्लाई सूचना तकनीक का प्रयोग जो है संगठन, गवर्नमेंट टू इम्प्लाई का मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है और दूसरी तरफ जो है सरकार के साथ जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी हैं या मान लीजिए जो अधिकारी हैं उनको कैसे जोड़ा जाएगा, तो सरकार और दूसरी तरफ कर्मचारी और अधिकारी को आपस में जोड़ना, इसका मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संगठन और अधिकारियों के बीच अंतःक्रिया कैसे स्थापित होगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, कर्मचारी का जैसे GPF है, पासबुक है, छुट्टी है, तमाम चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग होता है, ट्रांसफर का आदेश मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाता है, कर्मचारी अधिकारियों के बीच जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या कार्यों का आवंटन जो है हो जाता है, गोपनीय रिपोर्ट भेजा जा सकता है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग गवर्नमेंट टू इम्प्लाई कहते हैं। अब एक चीज़ इसमें बच गया गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, भैया अभी कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोगों के यहाँ जो है देखा जाए तो पूंजीवाद भी चलता है और समाजवाद भी चलता है, तो पूंजीवाद समाजवाद दोनों जब चलता है तो बताइए पूंजीवाद को भी बढ़ावा देना है, उदारवाद को भी बढ़ावा देना है, तो एक ऐसा पारदर्शी व्यापारिक वातावरण होना चाहिए जहां पर सरकार और व्यापारी के बीच जो अंतःक्रिया हो वो सुचारूपूर्वक हो सके। जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स, जैसे ई टैक्सेशन, भाई बताइए कोई बिजनेसमैन है पूरे दिन चक्कर लगाता रहेगा आयकर विभाग का तो कब बिजनेस करेगा, मान लीजिए लाइसेंस के लिए चक्कर लगाता रहेगा तो इसके लिए ई लाइसेंसिंग की व्यवस्था हो गई। इस तरह की चीजों को हम लोग जो है इसमें शामिल करते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन में। अब देखिए एग्जाम में मान लीजिए ऐसे लिख दिए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद आया तो आपको क्या करना है कि पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे लिख दिए तो गुड, यहां पर चाचा लाइन लिखकर इसका जो है मूल्यांकन एक लिख दिए, नहीं भी लिख पाए तो कोई समस्या नहीं आराम, ये नहीं भी हेडिंग याद आया तो पॉइंट में उसको बनाकर लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ मान लीजिए आर्थिक क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो है ई पेमेंट की सुविधा आजकल चलती है, मान लीजिए किसानों को हम लोग जो है सीधे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे PDS सिस्टम है तो PDS सिस्टम में हम लोग सरकारी महकमा जो है उसको सैटेलाइट से जोड़ रखा है, या मान लीजिए जैसे अभी मैं बताया ई कॉमर्स है, ई ट्रेड है, या ई बिलिंग की समस्या मान लीजिए चीजें हैं, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं याद आया कोई बात है, जो जो याद आया वहीं से लिखना शुरू कर दिए, जैसे मान लीजिए कुछ सरकारी क्षेत्र का एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दिए, ई गवर्नेंस के माध्यम से जो है वह सरकार जो है जनता से सरलता से जुड़ जाती है, जैसे फाइलिंग जो सिस्टम है वो ई फाइल में चेंज हो जाता है, जिसमें बताया कि कम समय में सरकार जो है सेवाएं उपलब्ध करा सकती है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि मान लीजिए सभी लोगों को जो है जिनको सेवा दिया जा रहा है उनका मेल एड्रेस ले लिए, सीधा जो है उनका लाइसेंस बनाकर मेल पर भेज दिए, उनका जांच प्रमाण पत्र बनाकर भेज दिए, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। ई सर्टिफिकेट है भेज दिया गया, मान लीजिए बच्चा लोग परीक्षा देता है तो कहीं ना कहीं उनका जो है आजकल तुरंत उनके वेबसाइट पर देखिए उनके मेल पर जो है आप जा सकते हैं, रिजल्ट देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है बल्कि वेबसाइट पर आपने रिजल्ट देख लिया, कुछ भी लिखिए कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसे ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें ई न्यायालय को बढ़ावा दिया जा रहा है,
इस तरह से, अब जैसे मान लीजिए कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल यदि याद हो तो वो भी लिखना चाहिए, जैसे चेतना आपदा प्रबंधन एक प्रणाली है, तो बिहार राज्य में जो है भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के निपटने के लिए चेतना प्रारंभ किया गया, तो उससे बहुत सारे फोन नंबर को जोड़ दिया गया है, मैसेज भेज दिया जाता है, इस तरह की चीज है। जैसे स्वास्थ्य है, मान लीजिए सब करिए सेवा है, कोरोना के समय जो है हम लोग क्या करते थे, आप देखे होंगे कि हम लोग फोन से डॉक्टर से बात कर लेते थे, उनसे जो है पूछ लेते थे, मान लीजिए हम लोग वीडियो कॉल करके बात कर लेते थे, कुछ भी लिखिए। जैसे आजकल ई पेंशन वाला सिस्टम चलता है, देखिए पेंशन के लिए पोर्टल बना दिया गया है, नहीं याद आया पॉइंट में लिखिए, जैसे मर्जी वैसे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, मैं बताया कि समस्या सहित मूल्यांकन लिखेंगे। अब समस्या सहित मूल्यांकन कैसे लिखेंगे भाई, हम लोगों के यहाँ 5G आ गया लेकिन वो अभी भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है, देखते हैं, इसका मतलब हाई स्पीड जो है कनेक्टिविटी की समस्या है। नोटबंदी के बाद आप देखे होंगे कि नोटबंदी के समय या नोटबंदी के बाद साइबर अपराध की समस्या बढ़ गई है, और फिर ग्रामीण स्तर पर जो है तकनीकी और यांत्रिक जो मनोवृत्ति है उससे भी लोग सहज नहीं है, स्मार्ट मोबाइल से ज़्यादा सहज नहीं हो पाए हैं या उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। भाई भीम ऐप है, अब गांव के व्यक्ति को बोलेंगे कि लाइए मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर दे, गांव का व्यक्ति एटीएम भी नहीं बनवाता है बहुत सारा गांव में, मोबाइल पर तो छोड़ दीजिए, जाके बैंक से ही पैसा निकालेगा क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है। तो हम लोगों को जो है इस तरह से जब मूल्यांकन लिखेंगे तो समस्या डालकर मूल्यांकन लिखा जाएगा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, कहीं कहीं विश्वास बहाली की प्रक्रिया हो, सब लोगों को जो है वह देखा जाए तो जो डिजिटल तकनीक है उससे सहज बनाने की आवश्यकता है, तभी हमारा जो अनुप्रयोग है वो सुचारू पूर्वक चल सकता है। बस ऐसे लिखना है। अब हम लोग जो है फिर अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे।